हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के रियल नंबर बताने वाला हूँ। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। उससे पहले मैं आपको क्लास नाइन्थ के कुछ थोड़ा रिविजन्स करा देता हूँ, जिससे कि आपको रियल नंबर समझने में आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक दो तीन चार, ये सभी क्या है, गिनती की संख्या है, यानी कि ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, जिसे हम लोग एक दो तीन चार करके लिखते हैं डॉट डॉट। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गिनती की सभी संख्या आते हैं, इसके अलावा इसमें जीरो जुड़ जाते हैं, यानी कि जीरो एक दो तीन चार पाँच, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अब आते हैं इंटीजर्स में, यानी जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और इसे जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक में प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या, ये दोनों आते हैं। जैसे भी हम आपको लिख के बताते हैं कि जैसे जीरो इधर चलेंगे तो प्लस वाले, यानी कि एक दो तीन चार पाँच, ये सभी आपके प्लस वाले हो गए, और इधर आपके माइनस वाले संख्या हो जाएंगे, यानी कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की संख्याएं होते हैं। और जो आपका ये जीरो जो होते हैं, ये ना आपका ऋणात्मक होते हैं और ना ही ये धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर यानी जिसको हिंदी में परिमेय संख्या, और इसे क्यू से सूचित करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को हम लोग पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां हमारा पी और क्यू एक पूर्णांक होता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पी बटे क्यू के रूप में, जैसे एक बटे दो, पांच बटे सात, चार बटे तीन, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से इन्हें सूचित करते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किस तरह की संख्या होंगे, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएंगे रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, इस तरह की संख्या जो होंगे वो आपके आ जाएंगे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या में। आप जैसे कि आप बोलिएगा कि इनके नीचे अगर हम एक लगा दें तो ये भी पी बटे क्यू के रूप में हो गया। तो अभी हमने आपको बताया था कि पी बटे क्यू, पी और क्यू क्या होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं, एक तो आपका पूर्णांक हो जाएगा लेकिन रूट दो वो पूर्णांक में नहीं आते हैं। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आते हैं, परंतु रूट वाले संख्या इसमें नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इरेशनल नंबर में रूट वाली संख्या को रखते हैं। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद भी ना कटे, डॉट 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 तक चलता रहे, तो इस तरह की संख्याएं भी हमारी जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं। अब आते हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। अभी हमने जितनी आपको संख्या बताएं, ये सभी सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएम निकालने के लिए इस विधि का थ्योरी जो है यूक्लिड जी ने दिए थे, यानी कि महत्तम समावर्तक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होते हैं जिनको कि हम लोग जो गुणनखंड विधि के माध्यम से जो सीख के आए हैं उस विधि से निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो जिसकी वजह से यूक्लिड जी ने एक थ्योरी दिए जिसको कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये किस तरह की थ्योरी दिए थे और किस तरह से इनको, इनके एचसीएफ को निकालेंगे।
जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ आप भाग देख रहे होंगे, यानी कि निकालना उसी विधि से है, यानी कि भाग विधि से है इनके एचसीएफ को। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग जानेंगे। जैसे कि 8 से हम 12 में भाग देंगे तुम्हारा एक बार में लग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक, उसी तरह से 7 से 45 में भाग दीजिए 6 बार में तो 7 6 42, 5 में दोगे या 3। 4 से 20 में भाग दिए 5 बार में लग गए तो यहाँ हमारा आया 0। 6 से 5 में भाग नहीं लगेंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं उससे छोटी वाली संख्या को गुना करने के लिए, यानी कि जिनका हम पहरा पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 का हम पहरा 5 बार पढ़े, है ना, तो 5 जो है वो हमारी क्या है, 20 से छोटी संख्या होती है। तो हम छोटी संख्या को लेते हैं क्या करने के लिए, गुना करने के लिए, यानी कि पहरा पढ़ने के लिए। तो हम 5 से छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 0, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इनसे छोटी हो जाएंगी। तो हम देख रहे हैं कि 4 से हमारा नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं, 1 से भी नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से देंगे। तो 0 यानी कि 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा और हमारा शेष फल क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो इन भाग में जिसे हम भाग देते हैं उसे हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है, और जिस संख्या में भाग लग रहा होता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जितने बार में हम लोग भाग देते हैं उनको भागफल कहते हैं। और जो हमारा भाग देने के बाद जो संख्या बच के आते हैं तो इन्हें हम लोग शेषफल कहते हैं। जान लीजिएगा कि यूक्लिड द्विभाजक एल्गोरिथम में भाजक को बी से, भाज्य को ए से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से हम लोग सूचित करते हैं। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा बी गुना क्यू प्लस आर। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि आर जो है यानी शेषफल जो है हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी कि बी से छोटा होना चाहिए, और आर हमारा क्या होना चाहिए, या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से छोटा हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो जो होंगे हमारा वो आर के या तो बराबर होंगे या आर से छोटा होंगे, और बी यानी कि हमारा भाजक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, और इनकी विधि को और भी समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने आपने आपके पुस्तक से इन चीजों को लिखा कि पुस्तक में क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होते हैं। ठीक है, जहां पे जीरो आर से आर के बराबर होंगे या आर से छोटे होंगे, और आर हमेशा क्या होंगे, बी से छोटे होंगे। ठीक है, तो अब हम एक प्रश्न को लिए, तो वो प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन विधि से इनका एचसीएफ निकालें। यानी कि अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, यानी कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर का प्रयोग करके इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किस विधि से निकालना है, तो पहले हमें एचसीएफ भाग विधि से निकालना है और फिर उनको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, यानी कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में इनको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को पहले बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि इनको निकालना कैसे है और फिर इनको इस रूप में लिखना कैसे है। तो हमारा क्वेश्चन है 135 और 225। ध्यान दीजिएगा कि बड़ी संख्या को कहाँ रखना है, बीच में रखना है। ठीक है, और छोटी संख्या से इसमें भाग देने हैं, यानी कि 225 में हम 135 से भाग देंगे
तो देखिएगा कि अगर हम दो बार इनका पहाड़ा पढ़ते हैं, दो दो से इसको अगर गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 270, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 225। तो कितने बार में लगेंगे? एक बार में। एक बार में हम दिए 135 को 225 में भाग, तो हमारा 5 में 5 0, 2 में 3 नहीं जाएगा तो 2 से 1 लेके 12 बनेगा, 12 में 3 गया 9, और ये 1 में 1 कट गया। हमें तब तक भाग देने हैं जब तक कि हमारा शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें फिर से भाग देंगे। अब हम जिससे भाग दिए थे, यानी जो हमारा पहले भाजक था, अब वो हमारा भाज हो जाएगा, और जो हमारा शेषफल था वो हमारा भाजक बन जाएगा। यानी कि अब हम 90 से 135 में भाग देंगे, ठीक है। तो दो बार अगर 90 को पढ़ते हैं तो ये 180 हो जाते हैं, तो ये भी कितने बार में लगेंगे? एक बार में लगेंगे। तो हमारा शेषफल क्या निकल के आ जाएगा? 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, यानी कि हमारा क्या निकल के आ गया? 45। अब ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भाजक था, तो यही भाजक हमारा अब क्या बन जाएगा? भाज बन जाएगा, और हमारा जो शेषफल था वो हमारा भाजक बन चुका है। तो देख रहे हैं कि 45 से दो बार में 90 आ गया और हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। हमें तब तक भाग देना है कि जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब हमारा शेषफल 0 आ चुका है, अब हम इनको इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। चलिए अब इनको लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हमारा a कौन है? अभी 225 है शुरू में, है ना, और हमारा भाजक कौन है? यानी a 100, b कौन हमारा? 135, a हमारा 225 है, b हमारा 135 है, है ना, और कितने बार में दिए थे? एक बार में, और हमारा शेषफल कितना निकल के आया था? 90, ठीक है। और फिर इनका आगे लिखेंगे, अब हमारा भाजक कौन हो जाएगा? उसी तरह से 135 हो जाएगा, भाजक बन जाएगा हमारा 90, और भागफल हो जाएगा 1, और शेषफल कितना आ जाएगा हमारा? 45, ठीक है। फिर हमारा जो भाजक था वो हमारा भाज हो जाएगा 90, और भाजक हो जाएगा 45, भागफल हो जाएगा 2, और शेषफल हो जाएगा 0। यानी कि अब हमको हम क्या किए कि इनको इस रूप में लिख दिए। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको इन्हीं विधि से निकालना है, ठीक है। और इसका आगे पार्ट फिर हम लेके आएंगे, और उससे आपके अगले एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न होंगे, यानी 1.1 में, उन सभी प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।